नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं टारगेट क्रैक एग्जाम। रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, आपकी स्पेशल इंडेंट की परमिशन मिनिस्ट्री के द्वारा मिल चुकी है। आप सभी लोगों को था कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्योंकि दोस्तों सही बताऊं तो मैं भी एक तरह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। पैनल आते थे 2 बंदों 4 बच्चों की 10 बच्चों की 100 बच्चों तक की मैक्सिमम जाती थी, बट 100 बच्चों की खुशखबरी देने में बाकी जो बच्चे थे वो ज़्यादा हताश होते थे। इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था कि जब तक कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती तब तक वीडियो नहीं जाएगी। बट दोस्तों, ये इतनी अच्छी न्यूज़ मिली कि मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ी ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, और कुछ लोगों के कमेंट आया कि इसको समझा दीजिए, इसलिए मैं इसको वीडियो को बना रहा हूं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ने नोटिस जारी किया है। चलिए कि एक नोटिस के पॉइंट को हम समझते हैं क्या क्या उसमें मेंशन किया गया है। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए सीधा मैं आपको नोटिस को ओपन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं नोटिस। भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, ऑल जीएम को यहाँ पे नोटिस लिखा गया है। सब्जेक्ट क्लियर मेंशन किया गया है, रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग अप एडिशनल स्लैश रिप्लेसमेंट वैकेंसी बाय जोनल रेलवे फ्रॉम स्टैंडबाई वेटलिस्टेड कैंडिडेट एंड एक्सटेंशन ऑफ करेंसी ऑफ पैनल बियॉन्ड 2 ईयर्स अंडर CN 1/2018 ALP एंड टेक्नीशियन। तो दोस्तों, ये क्लियर नोटिस ALP एंड टेक्नीशियन का है। इसमें JEE वाले कैंडिडेट्स भी पूछ रहे थे कि क्या हमारे लिए भी कुछ होगा, तो उनके लिए ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। आप लोगों को भी और एफर्ट लगाना पड़ेगा जैसे ALP एंड टेक्नीशियन ये कैंडिडेट लगाए हैं। और दोस्तों, इस नोटिस का पूरा क्रेडिट अगर मैं बोलूं तो जाता है जो कैंडिडेट्स पटना में प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट किए हैं उसका ही ये बेनिफिट देखने को मिला है। जिन कैंडिडेट्स ने मिनिस्ट्री में जो अपने रेल मंत्रालय में लेटर लिखवाया है अलग अलग सांसदों से, उसका भी इम्पैक्ट मिला है। पर दोस्तों, अभी रुकना नहीं है, मैं यही कहूंगा अभी आपको लगे रहना है जब तक पैनल नहीं आया था। नोटिस नहीं, आपको जॉब चाहिए वो पैनल से मिलेगा, इस नोटिस से नहीं। तो आप लोगों को अच्छी खबर है, बट आपको अभी रुकना नहीं है। तो दोस्तों, इस नोटिस में सब्जेक्ट से ही क्लियर यहाँ पर हो जाता है कि यहाँ पर एडिशनल और रिप्लेसमेंट दोनों वैकेंसी की बात की गई है। और साथ में एक और अच्छी चीज़ बात की गई है कि रिप्लेसमेंट में जैसा बोला था कि करेंसी आपकी एक्सपायर हो चुकी है, हम अब नहीं ले सकते, इन्होंने एक्सटेंशन ऑफ करेंसी ऑफ पैनल बियॉन्ड 2 ईयर, मतलब 2 साल के बाद भी आप एक्सटेंड करके इससे ले सकते हैं, वो चीज़ इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो अब करेंसी का भी बवाल खत्म हो गया और एडिशनल की भी परमिशन मिल गई। जो अभी तक GM बोलते थे कि हमें परमिशन नहीं है, हम अभी नहीं ले सकते, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर बोल दी गई हैं। दोस्तों, इस पॉइंट में जो क्लियर पॉइंट है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप नोटिस को पूरा पढ़ सकते हैं। ग्रुप में भी मेंशन कर दिया गया है, ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जो ग्रुप है उसको भी यहाँ पे आप। एक चीज़ को मैं आपको यहाँ पे क्लियर दिखा देता हूँ जो कि मेंशन किया गया है। डेट यहाँ पे दी गई है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड डेट रेलवे शुड रिव्यू देयर रिक्रूटमेंट एज एबव द ALP एंड टेक्नीशियन एंड सेंड प्रपोजल फॉर एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ पैनल एज वेल एज रिप्लेसमेंट के स्लैश एडिशनल बाई 19 मई 2022, मतलब 19 मई 2022 तक यहाँ पे प्रपोजल भेजनी है ताकि यहाँ पे जो वैकेंसी है वो एक्सटेंड किया सके। और इनेबल बोर्ड फॉर कंसिडरिंग सच रिक्वेस्ट इन अ होलिस्टिक मैनर, द प्रपोजल शुड कंटेन डिटेल गिवन एनेक्सचर इंक्लोज फॉर फॉलोइंग नीड। मतलब इस तो अब नीचे एनेक्सचर जो उसमें भी दिखा देता हूँ, इन्होंने क्या क्या मांगा है। नेम ऑफ कैटेगरी मांगा है, मतलब कौन सी कैटेगरी की वैकेंसी है। टेक्नीशियन में अलग अलग कैटेगरी है, ALP में आपकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 2 हैं। वैकेंसी नोटिफाइड बाई RRB कितनी नोटिफाइड की गई थी, पैनल सप्लाइड कितना किया गया, कैंडिडेट नॉट ज्वाइन या लेफ्ट आफ्टर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के बाद भी कितने लोग लेफ्ट कर गए और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो कितने, के इन्होंने रिप्लेसमेंट डिमांड किया वो भी, रिप्लेसमेंट कितने का रिसीव हुआ वो, एग्जिस्टिंग DR आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसी कितनी है वो, रिप्लेसमेंट बीइंग प्रपोज्ड कितने की रिप्लेसमेंट हम प्रपोज कर रहे हैं, साथ में यहाँ पे एक एडिशनल वैकेंसी बीइंग प्रपोज, मतलब जिस जिस जगह पे एडिशनल वैकेंसी है वो अब यहाँ पे भेज सकते हैं, और भेजेंगे तो उसका बेनिफिट डायरेक्ट आपके कैंडिडेट्स को देखने को मिलेगा, और रिमार्क भी मेंशन करना है। तो दोस्तों, दो चीज़ है इसमें, एक तो जहाँ पे वैकेंसी है वो एक भेज देंगे, दूसरी वो है कि जहाँ पे ये बोलते हैं कि अभी हमारे पास एक्सेस है तो वो क्या भेजेंगे। तो दोस्तों, वहाँ पे आपको प्रेशर बनाना के रखना है अभी भी अपने डिवीज़न और उन सब जगह पे, ताकि वो भी कुछ यहाँ पे भेजे ताकि आपको फ़ायदा मिले, क्योंकि वो अगर भेजेंगे ही नहीं तो फिर इस नोटिस का भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर आप लोग प्रेशर बना के रखेंगे तो उनको भेजना पड़ेगा और इसके ऊपर वो कैंडिडेट्स को भी लेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप लोग अभी भी शांत नहीं बैठना है, आप लोग एफर्ट लगाते रहना है जब तक आपकी पैनल नहीं आ जाता। नोटिस नहीं, आपको पैनल चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आई होप यहाँ पे आपको शायद से क्लियर होंगी, पूरी नोटिस आप पढ़ सकते हैं।
अगर मैं पूरी एक एक पॉइंट को एलिब्रेट करने बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में है, नोटिस को पढ़िए, अगर नहीं होता तो आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, आप समझ जाएंगे, ज़्यादा कोई हाई लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी खबर के साथ, तब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, बाय।